सो गुड मॉर्निंग एवरी वन, आई वेलकम यू ऑल टू UIS। सो आज के हिंदू के टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट द AI गवर्नेंस एंड हिरोशिमा एक्शन प्लान, जिसे शॉर्ट में वी ऑल्सो कॉल इट एज HAP। तो हिरोशिमा में अभी G7 की मीटिंग हुई थी, इस वजह से कई सारे लेवल पे चर्चा हुई थी, और उसमें से एक जो आस्पेक्ट है दैट इज़ AI गवर्नेंस एंड हिरोशिमा एक्शन प्लान। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इज़ अबाउट द कैंसल कल्चर, देर इज़ दिस आइडिया कॉल्ड एज कैंसल कल्चर। तो ये एक टॉपिक है GS पेपर 1 के अंदर। लाइटनिंग एंड फॉरेस्ट फायर, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पर, लाइक वी आर गोइंग टू डिस्कस। ज्योग्राफी का टॉपिक है, देन वी हैव जुडिशरी एंड टैक्स लॉ, पॉलिटी का टॉपिक है, देन लॉ कमीशन का जो सेडिशन के ऊपर व्यू पॉइंट है उसको डिस्कस करेंगे, बट उसमें बहुत ही जो ऑथर हैं उन्होंने थोड़ा सा बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया हुआ है, तो एक दो पॉइंट्स देख लेंगे। ज़्यादा बातें हम वो लिख नहीं सकते हैं एग्ज़ाम में, तो उसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। पॉलिटी का टॉपिक आपके लिए बिल्कुल ये प्रश्न बन सकता है कि सेडिशन के ऊपर जो 279th लॉ कमीशन है उसने क्या बातें बोली हैं, डायरेक्टली रिकमेंडेशन आपका 10 मार्क्स में आ सकता है, दिस इज़ अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी। देन डिसइन्फ्लेशन इकोनॉमी का टॉपिक, प्रीलिम्स बूस्टर में चार टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, और फिर मेंस का जो क्वेश्चन है उसको करेंगे। तो शुरू करते हैं, लेट्स डिस्कस विद दिस फर्स्ट टॉपिक, दिस इज लिंक्ड विद साइंस, एंड यहाँ पे HAP टू मेक AI गवर्नेंस ग्लोबल। HAP का यहाँ मतलब क्या हुआ, दैट इज़ हिरोशिमा। हिरोशिमा कहाँ लोकेटेड है, जापान के अंदर। तो अभी क्या है कि जापान जो कि G7 देश का मेंबर है, तो उसकी मीटिंग हुई थी कुछ समय पहले ही हिरोशिमा के अंदर, और उसमें कई चीज़ों पर डिस्कशन आपका हुआ था। एक बार बता रहा, वॉइस और ये सब चीज़ें क्लियर है। तो यहाँ पे उसी पर बात लगातार चल रही है कि जो इंक्रीजिंग यूज़ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो कंटिन्यूस बेसिस में इस्तेमाल हो रहा है, और कई प्रकार के चैलेंजेस अराइज हो रहे हैं, उनको किस तरीके से डील किया जाए, उसके लिए एक एक्शन प्लान की ज़रूरत है, उस पर चर्चा की गई है। और जो कुछ आस्पेक्ट है फोकस जिन पर किया गया है, उसे हम हिरोशिमा एक्शन प्लान, इन शब्दों का इस्तेमाल आपका किया गया है। सो एनुअल जो ग्रुप है G7 समिट का, होस्ट किया गया था जापान के द्वारा, कहाँ हुआ था, हिरोशिमा के द्वारा, मई 19 और 21 इस टाइम के बीच में आपको होता है, 19 और 21 ऑफ मई को ये चीज़ आपकी हुई थी। G7 की अगर बात किया जाए, तो यहाँ पे जो कम्युनिक्यू है उसमें हिरोशिमा AI प्रोसेस पर चर्चा की गई थी। इट मीन्स व्हाट, कि किस तरीके से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे हम रेगुलेट कर सके, हाउ वी कैन रेगुलेट इट, किस तरीके से हम रेगुलेट कर सकें, इस पर चर्चा की गई। देखो, क्योंकि हर एक एरिया है, आप किसी भी लेवल पे चले जाओ, हर एक जगह पे, चाहे एजुकेशन, हेल्थ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मशीनरी, हर जगह पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका रेगुलर यूज़ आपका हो रहा है। और क्योंकि रेगुलर यूज़ हो रहा है, तो उसको कैसे हम मैनेज करते हैं, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट को किस तरीके से रोका जा सके, इसलिए ज़रूरी है कि सर्टेन प्रोसेस और प्रोसीजर्स, सर्टेन गाइडलाइंस एंड प्रोविजंस वो लेकर आना चाहिए। तो इस पर बात रखी गई, और इसको बोला गया है हिरोशिमा AI प्रोसेस, या हिरोशिमा एक्शन प्लान, या AI प्रोसेस इसको रखा गया। तो यहाँ पे कहा गया, यहाँ पे कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया गया, आप लोग इस पर बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि जो प्रश्न है वो आपके लिए फ्रेम हो सकता है, तो ये इन शब्दों को आप भी बढ़िया तरीके से यूज़ कर सकते हो जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर लिखते हो। जैसे रेस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्लोबल AI गवर्नेंस, रेस्पॉन्सिबल AI एक बहुत अच्छा शब्द है जो आप यूज़ कर सकते हो, जिम्मेदार AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो जिम्मेदार, क्योंकि अगर आप किसी भी पर्पज़ के लिए कैसे भी किसी का कंटेंट है उस पर थोड़ा बहुत चेंजेस करके और ख़ुद के नाम पे कर लिया, तो ये तो बहुत इररेस्पॉन्सिबल, इलीगल और अनएथिकल AI एक हो गया। तो यहाँ पे क्या है, वी नीड टू मूव टुवर्ड्स अ रेस्पॉन्सिबल AI, ठीक है, रेस्पॉन्सिबल AI की तरफ हमें जाना है। ग्लोबल गवर्नेंस की बात की गई है, कि जो ग्लोबल गवर्नेंस है मतलब इंटरनेशनल लेवल पे सर्टेन कदम उठाए जाएं, जिसके माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड चीज़ें उनको एक कॉमन प्रिंसिपल के बेसिस पर गवर्न किया जा सके। तो यहाँ पे शब्द थोड़ा सा, देखो, वोकैब आपके पास होने चाहिए जब भी आप इन एरियाज़ में आंसर लिखते हो, और बहुत हाई पॉसिबिलिटी है इस बार मेंस में आपके लिए इस पे प्रश्न बन जाए, तो यहाँ पे बहुत हाई पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे व्हेन यू आर राइटिंग आंसर्स, जब आंसर लिखते हो, तो इन शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल करो, रिस्पॉन्सिबल AI, जैसे ह्यूमन सेंट्रिक एंड ट्रस्टवर्दी AI, ये शब्द भी इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, मतलब ह्यूमन सेंट्रिक मानवता है और ट्रस्ट आस्पेक्ट है, उस पर भी फोकस करना, और OECD जो है ऑर्गेनाइजेशन है एक, उसके जो AI प्रिंसिपल्स हैं उनको कैसे प्रमोट किया जा सके, और साथ में सारे देश कैसे आ सकते हैं, सब लोग साथ में आ जाएं। साथ में आने के बाद क्या फोकस किया जाएगा कि चलो AI आपका जो है रिस्पॉन्सिबल हो, दूसरा कहा गया कि AI जो आपका ह्यूमन सेंट्रिक हो, AI आपका ट्रस्टवर्दी हो, ये बातें ही तो आपकी की गई, और ये सब बातें आपकी जो OECD जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अपने प्रिंसिपल्स पे फोकस भी इसमें किया, और कहा गया कि ठीक है चलो सब साथ में मिलके कोलैबोरेट करके कोऑर्डिनेट करके एक ग्लोबल गवर्नेंस लेकर आते हैं जिससे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सही तरीके से इस्तेमाल हो सके और एक सभी का बेनिफिट हो सके, ऐसा हम इंश्योर कर सकते हैं। तो ये जो हिरोशिमा AI प्रोसेस है जिसे हम शॉर्ट में AI शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे कई सारे एस्पेक्ट पे फोकस आपका किया गया, और सबसे ज़रूरी चीज़ जो हाईलाइट की गई है कि किस तरीके से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इम्पैक्ट ऑफ पॉलिसी डेवलपमेंट एंड ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI टू कंडक्ट प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स। अब देखो यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ समझो, GPAI जो है ये भी एक संस्था है, और ये भी आप याद रखो इंडिया इसका चेयरपर्सन बना है, इंडिया जो है इसका चेयरपर्सन भी बना है। तो GPAI जो कि ग्लोबल जो पार्टनरशिप ऑन AI है, जो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI है, तो जैसे ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन AI का एम क्या है कि अलग अलग एस्पेक्ट पे AI पे रिसर्च कैरी आउट करना। अच्छा AI का यूज़ क्या है, अच्छा AI का क्या रिस्क एसोसिएटेड है, किस प्रकार के चैलेंजेस आपके आ रहे हैं, इन सब चीज़ों को देखना, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं। जनरेटिव AI का मतलब क्या होता है, जैसे जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके ऑडियो वीडियो इमेजेस बहुत सारी चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हो, तो वो बहुत तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होती हैं, बहुत तरीके के चैलेंजेस जनरेट होते हैं, तो उनको कैसे मीट किया जाए ये चीज़ आपकी हाईलाइट जो है वो की गई है, और यही बातें हिरोशिमा AI प्रोसेस में भी आपका हाईलाइट किया गया है कि इस पर लगातार डिस्कशन होगा, और दिसंबर तक, जैसे मान लो लगभग दिसंबर तक 2023 के दिसंबर तक इस पर एक प्रकार से डिस्कशन होते हुए कुछ पॉइंट्स जो है वो लेकर आए जाएंगे, और इसमें दो मेजर बॉडीज़ हैं जो काम करेंगी जिसमें हिरोशिमा AI प्रोसेस में हाईलाइट भी किया, एक तो OECD है और दूसरा GPAI है जो ग्लोबल पार्टनरशिप है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस साल जो इसका चेयरपर्सन है वो इंडिया है, तो इस पर चर्चा आपकी की जाएगी और सर्टेन पॉइंट्स जो हैं सामने रखे जाएंगे। अब इसमें देखो क्या क्या पॉइंट्स आ सकते हैं, देखो यही ये की पॉइंट है, सारे की पॉइंट्स, मतलब गवर्नेंस कैसे किया जाएगा, IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कॉपीराइट, जैसे मान लो कोई भी कंटेंट है, अब उस कंटेंट का आप कॉपीराइट करवा लो, ठीक है, अब कोई भी कंटेंट जिसका आप कॉपीराइट करा लो, अब कोई उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके मैनिपुलेट करके या ChatGPT में कुछ भी कंटेंट है उसको अपने रिसर्च के बेसिस पे कर दिया, तो ये सब कैसे देखोगे, तो इंटेलेक्चुअल जो IPR है वो तो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो रहा है ना। फिर ये भी देखना है कि आप जिस तरीके से AI का इस्तेमाल कर रहे हो या AI जिस तरीके से क्रिएट हो रहा है उसमें ट्रांसपेरेंसी जो है वो होना बहुत ज़रूरी है, AI का इस्तेमाल डिस इन्फॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने के लिए ना हो, और एक रिस्पॉन्सिबल यूटिलाइजेशन हो। तो ये जो शब्द आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल AI, ये ज़रूर से आप यूज़ करो जब भी आप लिखो ना इस पर, और हाई पॉसिबिलिटी इस बार ऐसे राइटिंग या फिर हाई पॉसिबिलिटी है कि मेंस में GS Paper 3 में या GS Paper 2 के अंदर मेंस में इस पर ज़रूर से प्रश्न आ सकता है कि AI का जो गवर्नेंस है उसमें क्या क्या चैलेंजेस है। मैंने भी आपके लिए आज मेंस का प्रश्न इसी एरिया से जो है वो डेवलप किया, तो यहाँ पे AI का जो डेवलपमेंट है उस AI के डेवलपमेंट से कहा गया कि देखो कई प्रकार की चीज़ें आपको देखनी है, डिस इन्फॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन, फिर ये कहा गया ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, फिर इसका जो इम्पैक्ट है डेमोक्रेसी पे क्या पड़ रहा है, ह्यूमन राइट्स पे क्या पड़ रहा है, फ्रीडम पे क्या कर रहा है, क्योंकि ये वैल्यूज़ है ना हमारे डेमोक्रेसी में, यही एक वैल्यू सिस्टम तो है, ये एक वैल्यू सिस्टम है। अब जैसे मान लो ChatGPT है, अब ChatGPT छोटे छोटे बच्चों का सारा काम सब कुछ सब करे, तो फिर एक जो कॉग्निटिव या फिर एक बच्चे का जो विकास होता है सही से वो कैसे हो पाएगा, मतलब चीज़ों को सोचना, खुद से कार्य करना, अब उसमें एक हैबिट बन जाएगी कि खुद से ही कुछ ना करना, दूसरों से सारा करा लेना, मतलब पहले तो कोई और कर लेता था, अब जो है आपके लिए टेक्नोलॉजी सारी चीज़ें करेगी, तो ये कई प्रकार के चैलेंजेस होंगे कि हमारे वैल्यूज़ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा,
फ्रीडम पे क्या पड़ेगा, ह्यूमन राइट्स पे क्या पड़ेगा, ये सब देखने वाली बात है। और बहुत बड़े चैलेंजेस, छोटे चैलेंज नहीं है। फिर अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, सेफ्टी, इस बार भी चर्चा आपकी की गई है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक रेस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेकर आया जाए जिसमें ट्रांसपेरेंसी हो, ओपननेस हो, फेयर प्रोसेस हो, सही से हो। तो ये देखो, ये सब की वर्ड्स हैं, बाद में जब आंसर लिखोगे ना तो बिल्कुल याद नहीं आएंगे। तो ये की वर्ड्स नोट करना। देखो, हमेशा एक काम करो, एक छोटा सा एक डायरी बनाओ, और जैसे सिलेबस में कुछ मेजर पोर्शन है, जैसे पॉलिटी है, इंटरनेशनल रिलेशन है, इकोनॉमी है, अब इसमें जब आप आंसर लिखते हो, जैसे और भी एरियाज हैं, जब आप आंसर लिखते हो, जैसे मान लो वुमेन रिलेटेड इश्यूज हैं, अब आपके पास कुछ कीवर्ड्स होने चाहिए। लैंग्वेज मैच्योरिटी इसी से आती है। अच्छे वर्ड्स का मतलब ये नहीं कि आपको उसको डिक्शनरी खोल के देखना पड़े। अब ट्रांसपेरेंसी, ओपननेस, फेयर प्रोसेस और रिस्पॉन्सिबल, ये शब्द जो है आप ये लिख लोगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं इन शब्दों का इस्तेमाल करूँगा या करूँगी। तो यही चीज़ आपको थोड़ा सा अलग कर देती है। आपके पास शब्द होते हैं, कई बार आपके पास विचार होते हैं, बट आपके पास शब्द नहीं होते। तो अपने वोकैब को कैसे इम्प्रूव करें, अपने वोकैब को कैसे इम्प्रूव और इंक्रीज करें और अच्छा रखें, तो यही जो पेपर में एडिटोरियल्स आते हैं, जैसे अभी हम लोग ये कंटेंट डिस्कस कर रहे हैं, तो इसी में, इसी को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और इन्हीं शब्दों का आप इस्तेमाल आंसर राइटिंग में कर सकते हो। इसी तरीके से अपना जो आंसर राइटिंग स्किल है उसको भी आप इम्प्रूव कर सकते हो। फिर देखो, ये सबसे बड़ा जो चैलेंज हाईलाइट किया गया है वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के कंटेक्स्ट में, सबसे बड़ा चैलेंज है। और इस पर जो आपका हिरोशिमा AI प्रोसेस है, उसने भी इस पर बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया, बहुत ज़्यादा चर्चा आपकी की है कि जैसे कैसे जो कॉपीराइट मटेरियल है, कॉपीराइट मटेरियल, अब जैसे चैट GPT में आप कोई भी कंटेंट ले लो, आप सर्च करो कुछ और आएगा, मैं सर्च करूँगा कुछ और आएगा, और उसका कॉपीराइट करा लिया, या फिर किसी कंटेंट में कुछ चेंजेस करके अपने नाम पे कंटेंट आ गया, तो ये सब कैसे आप देखोगे ना, क्योंकि ये जो कॉपीराइट मटेरियल है, मान लो कोई कंटेंट थोड़ा मैनिपुलेट करके चैट GPT के माध्यम से और अपने नाम पे कॉपीराइट कर दे, तो कॉपीराइट वायलेशन हो गया, साफ साफ कॉपीराइट जो है ये वायलेशन हो गया। तो इसके बहुत सारे चैलेंज है। तो फेयरनेस लाना, ट्रांसपेरेंसी लेकर आना, और इसी को ध्यान में रखते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रॉपर रेगुलेशन करना, इस पर बहुत फोकस आपका किया गया है। सर्टेन गाइडिंग प्रिंसिपल्स लेकर आना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके, और किस तरीके से ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को अफेक्ट ना करे, खासतौर से जो कॉपीराइट एस्पेक्ट है उसको अफेक्ट ना करे, तो इस पर देखना। एंड देयर शुड बी अ फेयर यूज डॉक्ट्रिन इन यूज, फेयर यूज मतलब किसी भी चीज़ का सही तरीके से इथिकल एस्पेक्ट में इस्तेमाल करना, तो यही फेयर यूज डॉक्ट्रिन आपकी हाईलाइट करती है। फेयर यूज डॉक्ट्रिन को ध्यान में रखते हुए विश्व लेवल पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करना, इस पर फोकस आपका किया गया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि आपके लिए जो प्रश्न है वो प्रश्न फ्रेम हो जाए। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देयर इज दिस टर्म इसमें यूज है, दैट इज कैंसल कल्चर। अगर आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा वाला देखा होगा, अगर एपिसोड वैसे देखे होंगे आप सभी लोगों ने, तो उसमें एक होता है पोपटलाल, है ना, वो पत्रकार होता है, तो उसमें कोई बात सब लोग बोलेंगे तो बोलेगा कैंसल। अगर आपने देखा हो, नहीं देखा तो कोई बात नहीं, तो उसमें बोलता है ना कैंसल, ये चीज़ कैंसिल। तो ये जो कैंसिल कल्चर, ये शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हो, वो कैब में भी आपके ऐड हो जाता है, कैंसिल कल्चर, कैंसिल कल्चर। कैंसिल कल्चर क्या है, जैसे इस पर बहुत मतलब ये हाईलाइट किया गया, जैसे मान लो एक आप व्यू पॉइंट होल्ड करते हो, आप व्यू पॉइंट एक्स होल्ड करते हो और किसी ने वाई ओपिनियन दे दिया, तो उसके पीछे पड़ जाना, नहीं नहीं इसको छोड़ो ये सही नहीं है, तो ये जो अप्रोच है इसी को कैंसिल कल्चर कहा गया। तो जैसे मान लो कोई भी चीज़, कोई भी एस्पेक्ट सामने आता है थोड़ा सा डिफरेंट हो, तो उस बेसिस पे फिर आप वो जो भी आर्गुमेंट रखे गए हैं उसको कहोगे इसे पूरा हटाना चाहिए, इट्स ये सही नहीं है, तो इसी को कैंसिल कल्चर किया गया, कैंसिल कल्चर कहा गया है। तो यही जो कैंसिल कल्चर है, यहाँ पे आप कह सकते हो कि विजिबल काफ़ी हदीक रहता है। मान लो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में कोई सर्टेन पर्सनस हैं, उनके सर्टेन पॉइंट्स सामने रखे जा रहे हैं, तो मेजोरिटी चाहेगी कि नहीं नहीं ये सही नहीं है, और उसको पूरा सा आप कह सकते हैं कि झुठला देना, तो ये कैंसिल कल्चर, इसे हम कहते हैं, वी कॉल इट एज कैंसिल कल्चर। तो ये एक तरीके से डेवलप आपके कई लेवल पे देखने को मिल रही है। नेक्स्ट देखते हैं, ज्योग्राफी का एक टॉपिक है जिसे हम कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस पर इसी ऐसे टॉपिक से आपका मेंस का जो प्रश्न है वो भी फ्रेम होता है, और ज्योग्राफी में खास तौर से ज्योग्राफी एनवायरमेंट
रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो मेंस का प्रश्न इन एरिया से फ्रेम होता है, तो इस पर डिस्कस करेंगे। लाइटनिंग पैटर्न के ऊपर है, और यहाँ पे जैसे कनाडा के एरिया में काफ़ी सारी जगहों पे आग लगी, न्यूयॉर्क सिटी की बात करें तो वहाँ पे एयर क्वालिटी काफ़ी ख़राब हुई। तो देखो एक चीज़ तो ये याद रखा, जैसे न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क के अंदर आपका एयर क्वालिटी अफेक्ट हुई, एयर क्वालिटी अफेक्ट हुई। अब ये सब चीज़ें देखने को मिल रही है कि न्यूयॉर्क के अंदर एयर क्वालिटी आपकी अफेक्ट हो गई, और जो कनाडा के जंगल उनमें आग लग गई। अब इसके पीछे ह्यूमन रिलेटेड तो एक्टिविटीज़ होती ही हैं, दूसरा कहा गया है एक लाइटनिंग बड़ा फैक्टर, जो बारिश के टाइम पे बिजली चमकती है ना, वो भी एक बड़ा फैक्टर है। तो ये थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो कि जैसे एक ध्यान समझना इस बात को, लाइटनिंग मतलब जो आपकी बिजली चमकती है बारिश के टाइम पे, तो ये लाइटनिंग एक्टिविटी जनरली प्लेन एरियाज़ में देखने को मिलता है। जैसे इंडिया की बात करें तो जो प्लेन एरियाज़ हैं वहाँ पे लाइटनिंग एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं। जब ये लाइटनिंग एक्टिविटी देखने को मिलती है, कई बार आप अपने गांव देहाती इलाकों में जाओगे तो देखोगे कि पेड़ होता है, अब पेड़ जा रहे हो तो जो पेड़ है उस पेड़ को देखोगे पूरा जला हुआ है। फिर पूछते हो यार ये कैसे हुआ। जैसे हम लोग भी एक बार हमारे गांव में भी इस टाइप का पेड़ देखा था, बहुत बड़ा पेड़ था, तो जो ये पेड़ था और ये पूरा आधा पूरा जला हुआ था। तो आई हैव आस्क्ड मतलब चाइल्डहुड के टाइम पे कि क्या हुआ, तो बोले वो जो है आसमान से बिजली इस पे गिर गई। तो पहले तो समझ में नहीं आता था कि यार बिजली गिर गई है कैसे, क्या प्रोसेस होता है। तो आप ये समझो कि जब भी वेजिटेशन है, वेजिटेशन प्लेन एरिया का इस प्रकार से होता है कि अगर बहुत सूखा ना हो तो उसमें आग नहीं लगती है, लेकिन जो पहाड़ी इलाकों में वेजिटेशन होता है ना, कभी आप इसमें देखें जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं और ये सब, इनमें अगर आप गीली लकड़ी में भी आग लगाओगे ना तो आग पकड़ लेती है। मतलब उनका नेचर इस टाइप से बना हुआ है कि वो हाईली इन्फ्लेमेटरी होते हैं, तुरंत आग उनमें लगती है। अब इसी तरीके से क्या है कि अब क्या देखने को मिल रहा है कि जो कंडीशन लाइटनिंग के लिए होती थी, मतलब जो बिजली बनने के लिए जो कंडीशंस होती, जैसे मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी और जो भी कंडीशंस होती थी, वो कंडीशन प्लेन एरियाज़ में अवेलेबल होती थी, तो इसलिए प्लेन एरिया में लाइटनिंग ज़्यादा देखने को मिलती थी। लेकिन अब पहाड़ी इलाकों में भी वो कंडीशन जो लाइटनिंग के लिए चाहिए वो अवेलेबल हो रही, इसलिए लाइटनिंग की जो एक्टिविटी है पहाड़ी इलाकों तक पहुँच गई है। और आप सब ये समझो कि अगर पहाड़ी इलाकों में लाइटनिंग होगी और बिजली गिरेगी तो फिर क्या होगा कि उन जंगलों में भले वहाँ सूखी लकड़ी हो या पूरा हरा भरा ग्रीन फॉरेस्ट हो, अगर एक बार लाइटनिंग लगी गिरी तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी आग लग जाए। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज आगे आके आपका होगा कि मान लो जो लाइटनिंग कंटिन्यूस बेसिस में होती रहेगी और फिर जो फॉरेस्ट एरिया है या जो वाइल्ड फायर है, वो वाइल्ड फायर या जंगल में आग जो है वो देखने को मिलेगी। तो ये देखने को काफ़ी मिल सकता है। जो ह्यूमन एक्टिविटी है वो भी एक फैक्टर है। जैसे अगर आप बात करो तो ह्यूमन एक्टिविटी भी एक फैक्टर है आग लगने के लिए, वाइल्ड फायर या जंगल में आ गए तो नो डाउट। बट स्टडी ये भी कहती है कि इवन जो लाइटनिंग है, जो ये लाइटनिंग है, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर द नेचुरल प्राकृतिक जो वाइल्ड फायर है उसकी अगर बात की जाए। अब इसमें इन्होंने एक्सपेरिमेंट, एक स्टडी हुई है उसमें लगातार एक एक्सपेरिमेंट हुआ है, और उसमें कहा कि लाइटनिंग इलेक्ट्रिक करेंट्स दैट फ्लो फॉर मोर देन सम टेंस ऑफ मिली सेकेंड्स द सो कॉल्ड लॉन्ग कंटिन्यूइंग करंट। अब देखो ये शब्द याद रखो, लॉन्ग कंटिन्यू करंट, LCC, तो LCC शॉर्ट में नहीं लिखना। यहाँ पे क्या है कि जब ये जो लाइटनिंग इलेक्ट्रिक करंट्स हैं, मतलब जैसे बिजली गिरी और ये कुछ समय तक, कुछ सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स, मतलब बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा समय तक ये लाइटनिंग नहीं रहेगी, तो कुछ छोटे से समय, इवन टेंस ऑफ मिली सेकेंड के लिए भी अगर ये है, टेंस ऑफ मिली सेकेंड के लिए है, तो ये फायर कॉज कर सकती, इट कैन कॉज फायर। एंड ये जो है लाइटनिंग, इसी को हम लॉन्ग कंटिन्यूइंग करंट भी कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लॉन्ग कंटिन्यू करंट। तो अगर आपसे पूछे कि लॉन्ग कंटिन्यू करंट अगर ऐसे जनरली पूछ ले तो क्या होता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि लॉन्ग कंटिन्यू करंट क्या है, इट्स अ लाइटनिंग इलेक्ट्रिक करंट जो थोड़े कुछ सेकंड के, टेंस ऑफ मिली सेकेंड के लिए, और ये फायर कॉज कर सकती है, फायर के लिए रिस्पॉन्सिबल आपकी हो सकती है। और कहा गया कि ग्लोबल लेवल पे ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा बाय 2090s। तो अगर ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा तो आप खुद इमेजिन करो कि हमारे वेजिटेशन का क्या होगा। अब आप तो ये ह्यूमन रिलेटेड उसको तो गवर्न कर लोगे कि आप यहाँ पे आग मत लगाओ, ये करो मत, कुछ भी एक्टिविटी जिसकी वजह से आग लगती है जंगलों में उसको तो आप रेगुलेट कर लोगे, बट आसमान से जो आग निकलेगी या मतलब आसमान से जो लाइटनिंग होगी या जो ये आपकी लाइटनिंग इलेक्ट्रिक करंट है जो
कुछ समय के लिए हैं जिन्हें हम लॉन्ग कंटिन्यूइंग करंट बोलते हैं, उसको कैसे रेगुलेट करोगे, यही तो बहुत बड़ा चैलेंजेस है। तो अब ये धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। ये जो LCC लाइटनिंग है ये 47% अराउंड 47 ओवर लैंड और हाई रिस्क है फ्यूचर के अंदर, क्योंकि ये एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है और क्योंकि लाइटनिंग के लिए जो कंडीशंस चाहिए वो अवेलेबल हो रही है। तो जो लाइटनिंग इग्नाइटेड वाइल्ड फायर फ्यूचर में बहुत अधिक होगी। इसका क्या मतलब हुआ कि जो बिजली गिर रही है उस बिजली के गिरने की वजह से फॉरेस्ट फायर होना, ये जंगल में आग लगना, और ये बहुत ज़्यादा विजिबल नॉर्थ अमेरिका और नॉर्दर्न सदर्न अमेरिका इन सब एरियाज़ में धीरे धीरे, मतलब कुछ एरियाज़ हैं जहाँ कम देखने को मिल रहा है, कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे कुछ एरियाज़ हैं, जैसे मान लो कुछ एरियाज़ हैं वहाँ पे जो लाइटनिंग की एक्टिविटी कम हो रही है, कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे लाइटनिंग की एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है। तो इस पर स्टडी कंटिन्यूस बेसिस में आपका हो रहा है कि कहीं पे LCC लाइटनिंग एक्टिविटी कुछ इंक्रीज़ हो सकती हैं, कहीं पर डिक्रीज़ हो रही है, जहाँ पर इंक्रीज़ होगी वहाँ पर फॉरेस्ट फायर होगा या फिर जंगल में आग लगेगी। अब लाइटनिंग किस तरीके से वर्क करती है, अब देखो सिंपल सी बात है, जैसे मान लो ये प्रोसेस अगर आप देखोगे तो जनरली, जैसे अगर आप इस डायग्राम को भी देखो अगर, है ना, तो जब भी बारिश आपकी होती है तो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उन पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स होते हैं, इनके चारों तरफ मॉइस्चर जो है वो मॉइस्चर इकट्ठा हो जाता है, फिर बादल बनते हैं और ये आपस में टकराते हैं, चार्ज पार्टिकल्स आपके या पार्टिकल्स आयोनाइज होते हैं, और यही जब आपस में टकराते हैं तो लाइटनिंग होती है। तो जैसे ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और फिर ये है ना क्रिस्टल्स प्रेजेंट आपके होते हैं, कुछ आइस क्रिस्टल्स प्रेजेंट है, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये सब आपस में टकराएंगे, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइटनिंग जो आसमान से बारिश के टाइम पे देखने को मिलती है। कमेंट सेक्शन में बताओ कि जब लाइट चमकती है, ठीक है, जब लाइटनिंग आती है तो आप लाइटनिंग पहले देख लेते हो और उसकी जो गड़गड़ाहट है, मतलब जो साउंड आती है वो बाद में आती है, ऐसा क्यों? ये बहुत बेसिक सा प्रश्न मैंने आपसे पूछा, बट आंसर करना इसको, ठीक है। तो स्टॉर्म के टाइम पे जो, जैसे जो स्टॉर्म का टाइम है, जब बारिश का आपका टाइम होता है, तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है और जो आइस क्रिस्टल्स हैं, मतलब पानी की बूंदें हैं, और जो कुछ पानी की बूंदें सॉलिडिफाई हो गई हैं, मतलब वो थोड़ा सा सॉलिडिफाई हो गई हैं, तो उन्हें हम क्रिस्टल्स बोलते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होता है, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव। तो सिंपल सी बात है, देखो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, पानी की बूंदें हैं, और कुछ पानी की बूंदें सॉलिडिफाई हो गई, उन्हें हम क्रिस्टल्स बोलते हैं। फिर ये इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्चार्ज होता है और उस वजह से लाइटनिंग आपकी होती है। तो यही कुछ पॉइंट्स हैं आपको ध्यान में रखना है। लाइटनिंग जो स्ट्राइक की अगर बात किया जाए तो ये एक प्रकार का डिजास्टर के रूप में, लगभग 18.5 मिलियन लाइटनिंग स्ट्राइक आपकी कंट्री में हुई थी 2020 से लेके केस तक, जो कि 34% हायर है अगर कंपेयर किया जाए। अब देखो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, 34% आपका हायर है। अब आप सोचो कि कितना बड़ा चैलेंज आपका बनता है। तो देखो जैसे मान लो ये आइस क्रिस्टल है, ये है आपका, ठीक है, ये चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, इन्हीं की वजह से फिर आपकी लाइटनिंग एक्टिविटी एग्जिस्ट आपकी करती थी। थोड़ा डायग्राम के माध्यम से, ये डायग्राम मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है, एक रिसर्च है उसके बेसिस पर, थोड़ा आप लोग गो थ्रू हो जाना, मतलब ये डायग्राम PDF आपको सौरभ पांड्या अकेडमी टेलीग्राम चैनल पे इस सेशन का मिल जाएगा, क्लास के तुरंत बाद आपको जो है वो मिल जाएगा जो PDF है, ठीक है। तो उसी से अपना अगर आप नोट्स बनाना चाह रहे हो बनाओ, और देखो नोट्स अगर जब भी बनाओ तो हमेशा सब्जेक्ट वाइज बनाओ। देखो यहाँ साइड में सब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो A4 साइज पेज सामने रखो, मान लो पॉलिटी का टॉपिक लिखा, ज्योग्राफी का टॉपिक लिखा, तो उसी अलग से जो भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक फोल्डर है उसमें डाल दिया। फिर अपना स्टैटिक सब्जेक्ट जब पढ़ा, तो जैसे मान लो पॉलिटी पढ़ी आपने, अब फिर उसके एडवांस टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो यही एडवांस टॉपिक यही न्यूज़पेपर से ही बनेंगे, एडिटोरियल्स और ये सब देख लिया तो उससे आपके एडवांस टॉपिक बन गए। तो ये नोट्स मेकिंग अगर हम नहीं करते हैं ना, तो फिर सारा वेस्ट मानो। आप सोच रहे हो कि मैं PDF का प्रिंट आउट ले लो, अब देखो PDF का प्रिंट आउट लेके कभी काम नहीं बनना है। अब एक दिन में 50 PPTs हैं, अब आप इमेजिन करो 50 PPT एक दिन में अगर प्रिंट आउट लोगे और 30 दिन होते हैं तो 1500 हो गए, और 1.5 साल से मल्टीप्लाई कर लो x15, ठीक है, 15 नहीं 18, 1.5 साल 18, तो अब आप इमेजिन करो कितना हो गया, 17-18 हज़ार PPTs कभी आपको लगता है कि आप पढ़ पाओगे? नहीं, सारा वेस्ट जाएगा, और उल्टा जो अपने सेविंग्स है उसको आप प्रिंट आउट लेने में लगा दोगे, तो ये थोड़ा अच्छा आइडिया नहीं है। नोट्स बनाओ, एक बार की मेहनत है, और जैसे जब आप सेशन देख रहे हो तो पॉज कर लो और साथ साथ में नोट्स बनाओ, और यहाँ पे वन लाइनर के पीछे नहीं भागना है, वन लाइनर इन्फॉर्मेशन और इनके पीछे नहीं भागना है, कंटेंट वही डिस्कस करना है जो कि अभी आप कह सकते हैं कि कंटेंट जो UPSC के लिए रेलेवेंट है। दूसरी चीज़ एक और है, जैसे अभी एक बड़ा तूफान आना है,
अभी गुजरात के अंदर। अब देखो अभी दो चार दिन के अंदर ही आप देखना, उसमें एकदम डिटेल्ड आर्टिकल है। पिछले संडे को ही बहुत अल्टीमेट आर्टिकल एक आया था कि मॉनसून वेरिएशन और साइक्लोन को लिंक करके इन्होंने बनाया था, बहुत अल्टीमेट आर्टिकल था। अब वो ये जो आर्टिकल्स होते हैं, इन आर्टिकल्स पर ही हमें थोड़ा सा वर्क करना पड़ता है, अपने नॉलेज को एक्सपेंड करने का यही एक तरीका होता है। तो अभी जैसे साइक्लोन आया तो उसके बारे में आर्टिकल्स आएंगे, हो सकता है इस संडे को ही आ जाए, डिटेल्ड में आर्टिकल आएंगे तो उस पर हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। तो अगर आप डेली बेसिस में उसमें जो भी दो दो लाइन एक एक लाइन आ रही है तो आप उसके नोट्स बना रहे हो तो ये सही नहीं है, थोड़ा वेट करना। कोई भी इशू थोड़ा डेवलप होता है, इशू दो चार पाँच दिन में डेवलप होता है, एक साथ पूरा आ जाता है, तब नोट्स बना लेना चाहिए, ना कि डेली बेसिस के अपडेट आप नोट कर रहे हो। ये चीज़ें आपको मतलब कंटेंट मैनेजमेंट में बहुत हेल्प करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब जैसे देखो टैक्स लॉ के ऊपर है, अब इन्होंने अपना बहुत सारी खुद की बातें लिख दी, ये है वो है, बहुत टेक्निकल बातें लिखी हैं, तो हम वो टेक्निकल बातें नहीं देखेंगे। इसमें देखो दो बातें आती हैं, ये पॉलिटी का टॉपिक है। एक, जब जुडिशरी टैक्स लॉ के ऊपर कोई बात बोलती है, ठीक है, दूसरा यहाँ पे जैसे होता है ना, जब आप कोई बात लिखते हो जुडिशियल ओवररीच पे, तो उस पर आप एग्जांपल के रूप में भी कोट कर सकते हो। जुडिशियल ओवररीच का मतलब क्या है कि आपके पास लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है, तो यहाँ पे जुडिशरी जब एग्जीक्यूटिव का काम करे, लेजिस्लेचर का काम करे, तो ये जुडिशियल ओवररीच हो जाती है। दिस इज कॉल्ड एज जुडिशियल ओवररीच शब्द हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे देखो कुछ बातें हैं, उसको डिस्कस करते हैं। तो इंडिया का जो लॉ ऑफ टैक्सेशन है उसमें दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहला ये है कि आर्टिकल 265, ये याद रखना, आर्टिकल 265 कॉन्स्टिट्यूशन का। अब इसमें लिखा है कि जो टैक्स इम्पोज होगा, इम्पोज्ड ओनली विद द अथॉरिटी ऑफ लॉ। अब जैसे अब कई मूवीज़ देखोगे तो लोग क्या करेंगे, ऐसे कोई बड़े बड़े भाई टाइप लोग हुए और इतना हफ्ता पहुँचना चाहिए, तो ये ऐसा, ये वो तो इल्लीगल है ना, ऐसा कोई नहीं कर सकता। टैक्स कौन डिमांड कर सकता है? टैक्स वही डिमांड कर सकता है जो अथॉरिटी ऑफ लॉ कैरी करता है। तो आर्टिकल 265 ये बात आपका साफ साफ कहता है। फिर उसके बाद कहा गया कि जो भी आप मतलब टैक्स आपका आ रहा है वो क्लियर, कंसिस्टेंट, प्रिडिक्टेबल होना चाहिए। अब हुआ कि इस साल टैक्स 20% है, अगले साल का पता नहीं 50 होगा 60, तो इस टाइप से नहीं कि ब्रिटिश रूल की तरह लगान आप लेते जा रहे हो, ऐसा नहीं। इट हैज़ टू बी क्लियर, कंसिस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल। तो ये दो मेजर पार्ट्स हैं लॉ ऑफ टैक्सेशन के इंडिया में, और ये बेसिकली रूल ऑफ लॉ के तहत ही हैं। रूल ऑफ लॉ मतलब जो चीज़ें गवर्न हो, दैट शुड बी एज पर द लॉ, लॉ के माध्यम से हो। तो यहाँ पे एक तो सर्टेनिटी होनी चाहिए, दूसरी लीगैलिटी। तो टैक्स लॉ की लीगैलिटी कहाँ से आती है? आर्टिकल 265। और टैक्स लॉ की सर्टेनिटी कहाँ से आती है? सेकंड प्रिंसिपल से आपकी आती है। अब देखो इनकम टैक्स एक्ट 2015 के अंदर अमेंड किया गया था, एंड इसमें कुछ चीज़ें की गई थी, और इसमें कहा गया था कि जो असेसमेंट है, जैसे मान लो इनकम है उसका असेसमेंट है, ये किया जा सकता है मेड अगेंस्ट द थर्ड पार्टी टू सर्च इवन इफ द मटेरियल सीज्ड इन केस द डॉक्यूमेंट्स एंड द बुक ऑफ अकाउंट परटेन्स और परटेन्स टू द पर्सन और इफ द इन्फॉर्मेशन कंटेंट इन दोज आइटम रिलेट टू द पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लो ये चीज़ कही गई कि जैसे मान लो कोई डॉक्यूमेंट है, अब उस डॉक्यूमेंट में एक्स वाई जेड का नाम है, बार बार जगह पे उसका एक्स वाई जेड का नाम आ रहा है, तो अब उसके भी उसको भी जो उससे रिलेटेड उसकी इनकम क्या है। ठीक है, आपने मान लो कोई आपकी इनकम है, आपने इनकम दिखा दी कि मान लो ये दिखा दी कि आपने इनकम, आपकी इनकम है 10 लाख रुपए, और उसमें फिर आपने कहा कि मेरे ये रिलेटिव्स हैं उनके इनकम 11 लाख है और इस टाइप से, तो अगर ज़रूरत पड़ती है तो ये जो अलग अलग दूसरे नाम है जिनके नाम पे कई सारी चीज़ें दिख रही हैं उनका भी पूरा इन्फॉर्मेशन लिया जा सकता है। कोर्ट ने यहाँ पे देखो आर्गुमेंट ये है कि कई बार क्या है कि कोर्ट जैसे मान लो ये सेक्शन 153C है, इस पर चेंजेस किए, अब कोर्ट ने कई जजमेंट्स देके और चीज़ों को बदलने का प्रयास किया। तो यहाँ पे कहा गया कि आप आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके ऑर्डर पास करोगे। आर्टिकल 142 कहता है कि ऑर्डर आप पास करके ये इंश्योर करके कि हाँ कंप्लीट जस्टिस इंश्योर करने के लिए कोई भी ऑर्डर या डिक्री जो है वो पास की जा सकती है। आर्टिकल 142 एक्सट्रीम पावर कोर्ट को प्रोवाइड करता है। जब ऐसा किया जाए किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉ के को ब्रीच करके, आपके पास ऑलरेडी इनकम टैक्स एक्ट एग्जिस्ट कर रहा है जो कि गवर्न करता है कि जो भी इनकम टैक्स से रिलेटेड चीज़ें उनको गवर्न करने, आपने जजमेंट कई जो जजमेंट है या नोटिस के माध्यम से उसको बदलने का प्रयास किया, तो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ जुडिशियल ओवररीच इवन इफ यू आर यूजिंग आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आप इसको भी इस्तेमाल कर रहे हो। तो इसमें कहा गया कि आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉरबिड्स टैक्सेशन विदाउट लेजिस्लेशन, बट द सुप्रीम कोर्ट इज विलिंग टू प्ले पार्लियामेंट, दिस प्रीएम्प्टरी प्रॉमिस विल रिमेन। तो यहाँ पे ये बहुत जरूरी है,
कोई भी अगर टैक्सेशन इम्पोज किया जाता है दैट हैज़ टू बी बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ, और वो आपका लॉ के माध्यम से ही हो सकता है, लेजिस्लेशन मतलब पार्लियामेंट ही कर सकता है। तो यहाँ पे आप बस एक आर्गुमेंट कैरी कर सकते हो कि अगर ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा ऐसा कुछ किया जाए जिसके माध्यम से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो लॉ है टैक्सेशन के, उसको बदलने का प्रयास, उस पर चेंजेस करने का प्रयास अगर किया जाए तो इट कैन बी कंसीडर्ड एज अ जुडिशियल ओवररीच। बाकी आर्टिकल में बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिस्कशन हुआ है उस सेक्शन 153 सी के कंटेक्स्ट में, तो वो है, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं पॉलिटी का टॉपिक। अब इसमें भी देखो इन्होंने अपना ओपिनियन बहुत ज़्यादा सेडिशन के प्रति दे रखा है। देखो हमारे लिए काम का क्या है, हमारे लिए काम का है कि लॉ कमीशन क्या कहती है और एक दो आर्गुमेंट्स हैं वो है, ठीक है। तो ये पॉलिटी का टॉपिक है, इसको डिस्कस करते हैं, और हाई पॉसिबिलिटी है कि इसमें प्रश्न आपके लिए इस साल बन जाए, 10 नंबर का क्वेश्चन जो है आपके लिए पूछ ले कि जो लॉ कमीशन 279th लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट है उसमें सेडिशन के ऊपर क्या है, तो रिकमेंडेशंस आपके डायरेक्टली 10 नंबर में पूछे जा सकते हैं, हाई पॉसिबिलिटी, इसको याद करके जान। और ऐसे टॉपिक्स तो बहुत आप कह सकते हैं मार्क्स आपको देते हैं, क्योंकि आप रट के चले जाओगे तो बिल्कुल आप बढ़िया तरीके से जो है लिख सकते हो। तो 279th जो लॉ कमीशन रिपोर्ट है इस पर हमने ऑलरेडी 2-3 आर्टिकल्स डिस्कस किए हुए हैं। तो 279th जो लॉ कमीशन रिपोर्ट है इसमें ले डाउन किया है द ग्राउंड फॉर रिटेनिंग सेडिशन, कि जो सेडिशन जो देशद्रोह है उसको क्यों रिटेन करना चाहिए। तो अगर आपको याद हो हम लोगों ने डिस्कशन इसमें किया था, एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट था जो सेक्शन 124A है IPC का, यही तो सेडिशन से रिलेटेड है। तो एक चीज़ देखो बोला गया कि अगर कोई लॉ ब्रिटिश टाइम पे बना है तो क्योंकि सिर्फ वो ब्रिटिश टाइम पे बना है तो इलीगल हो गया या हम उसे हटाना चाहिए, ये सही आर्गुमेंट नहीं है। आप सर्टेन गाइडलाइंस लेकर आ सकते हो जिसके माध्यम से इसका मिसयूज़ ना हो। दूसरा लॉ कमीशन ने आर्गुमेंट दिया था, अगर आपको याद हो हमने डिस्कशन इस पर किया था, कि लॉ कमीशन ने कहा था कि देखो अगर आप इस सेक्शन को हटा देते हो तो आपके पास दो बड़े लॉ बचते हैं, क्योंकि देखो ऐसा तो है कि कोई अगर देशद्रोह का कार्य करे, ऐसे तो है नहीं कि नहीं करेंगे, कोई ना कोई तो करता ही है। तो यहाँ पे यह है कि आपके पास दो एक्ट बचते हैं मेजर, एक तो NSA एक्ट बचता है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट बचता है, एक UAPA बनता है, और ये दोनों लॉ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लॉ हैं। तो अगर किसी ने ऐसे कार्य किया है जो कि इक्विवेलेंट हो सेडिशन के, मतलब डिस्कशन चल रहा है, अगर उसको बुक कर लिया जाए, मतलब उस पर्सन को अरेस्ट किया जाए, कर लिया जाए NSA और UAPA के अंदर, तो उस पर्सन का छूटना आप मानो बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो सेक्शन 124A की बात किया जाए तो उसमें डिबेट डिस्कशन कई से, मतलब वो इतना ज़्यादा स्ट्रिंजेंट नहीं है। तो लॉ कमीशन ने इस पर भी चर्चा किया कि सेडिशन के लिए हमारे पास ये बात, एक ऐसा लॉ होना चाहिए, अदरवाइज फिर सारा, फिर आपको NSA UAPA जैसे लॉज बचेंगे जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, तो उसको चले। फिर दूसरा कहा गया कि देखो जो सेक्शन 124 है IPC का, जो सेडिशन से डील करता है, बी अमेंडेड टू इनकॉर्पोरेट द मीनिंग ऑफ सेडिशंस, मतलब इसको अमेंड करके और इसमें जो सेडिशन का क्या मतलब होता है उस चीज़ को इंक्लूड करना, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी केदारनाथ जो केस है, ये केस याद रखना, 1962 में हाईलाइट किया गया था। दूसरा जो मिनिमम सेंटेंस है वो इंक्रीज करना 3 to 7 years। देखो सेडिशन या देशद्रोह बहुत बड़ी बात होती है, तो देशद्रोह बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है, मतलब ऐसी, मतलब एक बड़ा क्राइम के रूप में आप मान सकते हो, लेकिन देशद्रोह होता क्या है वो एक चैलेंज है। तो उसको डिफाइन कर देना, जैसे ऑनरेबल कोर्ट ने केदारनाथ सिंह केस में कहा है, हाईलाइट किया है। तो यहां पे दूसरा कहा गया कि थर्ड इज दैट द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो FIR है सेडिशन की, वो रजिस्टर होना चाहिए आफ्टर पुलिस ऑफिसर्स इंस्पेक्टर रैंक के हायर तक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, बहुत जरूरी है। देखो दुनिया में आज के टाइम पे, क्योंकि हम किसी ऐसे समय में नहीं रह रहे हैं जहाँ पे संस्थाएं पहुँच ना सकें या संस्थाओं के पास रिसोर्सेस नहीं हैं, तो यहाँ पे जरूरी कि मान लो सपोज़ करो कि किसी पे भी कोई भी एलिगेशन अगर लगा दिया जाए, इवन सेडिशन का एलिगेशन किसी पे लगा दिया या कोई भी एलिगेशन लगा दिया जाए, तो ऐसा नहीं कि पुलिस जाए फटाफट अरेस्ट कर ले, जो एक इंक्वायरी है वो ज़रूरी है, देखना अच्छा सही है कि नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ देखो जिस पर्सन को आपने अरेस्ट किया, जेल में डाल दिया, उसका तो पूरा करियर ख़त्म, वो सारा ख़त्म, वो क्या करेगा। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी भी लॉ का मिसयूज़ ना हो, लेकिन इस चीज़ को उन्होंने क्रिटिसाइज़ कर दिया। फिर कहा गया
इन प्रपोजिंग दैट द अमेंडमेंट बी मेड टू द लॉ बाय एडिंग द वर्ड टेंडेंसी टू इंसाइट वायलेंस. ये जरूरी, केदारनाथ केस में भी ये बात आपकी हाईलाइट किया गया है कि अब सपोज करो उसमें कहा कि आप छत में खड़े होकर बस चिल्ला दिए कोई स्लोगन, ऐसा कोई मान लो कुछ ऐसा गलत स्लोगन आपने चिल्ला दिया, किसी ने बगल में जो है सुन लिया, अब सुन लिया यार ये देखो ये स्लोगन लगा रहा था, चिल्ला रहा था, भले आप कान में लीड लगा के या वो लगा के कोई अपना मूवी का डायलॉग बोल रहे थे, तो अब ऐसा स्थिति आ जाए. अब इमेजिन करो कोई छत में खड़ा है अपने और वो कोई मूवी देख रहा है और जोश जोश में कोई स्लोगन ऐसे लगा दिया कुछ भी है ना, अब वो किसी ने देख लिया या पुलिस ने देख लिया, पकड़ के जेल में डाल दिया, बोले इसने ये स्लोगन लगाया और इसके खिलाफ जो है सेडिशन लॉ लगा दो और इसको अरेस्ट कर लो, ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए. केदारनाथ सिंह केस में भी कहा कि जो कोई ऐसा करता है और वो वायलेंस को इंसाइट करे, पब्लिक ऑर्डर को ब्रेक करे, पब्लिक ऑर्डर को ब्रेक करे या फिर वायलेंस को इंसाइट करे, मतलब जो आपका वायलेंस है वो उसको उसके वजह से वायलेंस जैसी स्थिति बन रही, फिर उसके ऊपर सेडिशन जो है वो लागू हो और उसके लिए भी फिर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होना जरूरी है. ये चीज़ भी आपकी हाईलाइट की गई है. दूसरा कमीशन ऑल्सो, मतलब यहाँ पे लॉ कमीशन की बात हो रही है, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताओ लॉ कमीशन के जो लेटेस्ट चेयरपर्सन कौन है जो नए बने हैं. कमीशन ऑल्सो डिसरिगार्डेड डेवलपमेंट इन फॉरेन ज्यूरिडिक्शंस, फॉरेन ज्यूरिडिक्शन, तो यहाँ पे जो भी डेवलपमेंट फॉर, अब जैसे देखो सिंपल सी बात, आपके देश की पुलिस है अगर कुछ कार्य करती है, दूसरे देश में क्या डेवलपमेंट हो रहा है उसको हम नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो फॉरेन ज्यूरिडिक्शन में डेवलपमेंट है उस वो चीज़ डिसाइड और डिटरमाइन नहीं करेगी दूसरे देशों में, हम जो भी है अपने एज पर द लॉ होगा. सो यहाँ पे कहा गया कि जो कमीशन, इट हैज़ डिसरिगार्डेड डेवलपमेंट इन द फॉरेन ज्यूरिडिक्शन विच हैज़ इनवैलिडेटेड सेडिशंस लॉ स्टेटिंग दैट द ग्राउंड रियलिटीज़ आर डिफरेंट इन अदर कंट्रीज, दूसरी जगह पे अलग तरीके से है. अब सिंपल सी बात है ना, कोई चीज़ सीरिया में कुछ हो रहा है, इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया में हो रहा है, उसको आप हमसे कैसे कंपेयर हम कर सकते हैं, वहाँ पे अपनी ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, तो उसको भी कंसिडर जो है करना जरूरी. नेक्स्ट देखते हैं, इकोनॉमी का टॉपिक है डिस इन्फ्लेशन टू स्लो एंड लॉन्ग, जो RBI गवर्नर है उनके द्वारा कहा गया, तो हमें एक टॉपिक जानना. देखो कुछ टर्म्स हैं, री इन्फ्लेशन, डिस इन्फ्लेशन, डी इन्फ्लेशन, बहुत सारे हाइपर इन्फ्लेशन, स्क्यू इन्फ्लेशन, ऐसे शब्द होते हैं, इनको पता होना चाहिए कि इनका मतलब क्या है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को, आप जरूर से जाना. तो इस पर अभी हम डिस्कस करेंगे डिस इन्फ्लेशन. इससे पहले अगर आप सेशन लाइव देख रहे हैं तो लाइक बटन जरूर से प्रेस करें, सेशन को लाइक आप लोग जरूर से करें, UIS चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें. आई होप वॉइस भी क्लियर है आपकी. तो डिस इन्फ्लेशन प्रोसेस इन इंडिया विल बी स्लो एंड प्रोट्रैक्टेड विद इन द 4% इन्फ्लेशन टारगेट. अब देखो यहाँ पे क्या, पहली चीज़ तो समझो डिस इन्फ्लेशन का मतलब क्या है. इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, जब ये महंगाई की दर मान लो 8% है, अब ये रिड्यूस होकर 7%, 6%, 5% इस तरीके से रिड्यूस हो रही है. तो जब आपका ऐसा टेम्प्रेरी सेंस में चीज़ें स्लो डाउन हो रहा है, मतलब इन्फ्लेशन स्लो डाउन हो रहा है, उसे हम डिस इन्फ्लेशन जो है उसे हम डिस इन्फ्लेशन कहते हैं. एंड ये एक अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है कि जब आपका रेट ऑफ इन्फ्लेशन में रिडक्शन देखने को मिलेगा उसे हम डिस इन्फ्लेशन शब्द उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं. अब देखो क्या है कि जैसे एक लेवल पे डिस इन्फ्लेशन की ज़रूरत है, क्यों, क्योंकि अगर बहुत आपका कंटिन्यूस बेसिस पे इन्फ्लेशन हो, 10%, 12%, 20% ऐसा इन्फ्लेशन हो जाए, महंगाई हो जाए, आप इमेजिन करो क्या होगा इकोनॉमी का. तो जब इकोनॉमी आपकी ओवरहीट करेगी, ओवरहीट का मतलब बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन होगा, उसके कई सारे जो रिपरकर्शन है वो देखने को अगर आपको जो है वो मिलेंगे, तो यहाँ पे आप इमेजिन करो कि व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द व्हेन देयर इज अ इंक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, तो उसको कंट्रोल या गवर्न करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो स्टेप्स हैं वो लेने पड़ेंगे. जैसे जो भी फैक्टर है, जिस फैक्टर की वजह से महंगाई हो रही है या इन्फ्लेशन हो रहा है, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी आप लेकर आ रहे हो, मॉनेटरी पॉलिसी में आपने रेपो रेट बढ़ा दिया, जब आपने रेपो रेट बढ़ा दिया, मनी सप्लाई आपने कंट्रोल की, तो उसके बाद डिमांड रिड्यूस होगा और इन्फ्लेशन आपका रिड्यूस होगा. तो एक रेंज ऑफ डिस इन्फ्लेशन की जरूरत आपको पड़ती है. तो व्हाट इज डिस इन्फ्लेशन, ये हमें क्लियर होना चाहिए, ठीक है. तो प्रीलिम्स के क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले लेट मी इन्फॉर्म यू, आरंभ बैच फर्स्ट 1 ईयर और 3 ईयर IAS बैच आपका लॉन्च हो चुका है. 15 जून से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, आप 50% का ऑफ देख सकते, आपको मिलेगा अनअकैडमी के अंदर. यूज द कोड SPSAURABH सौरभ, SP सौरभ, ये कोड यूज़ करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, इंडिया के टॉप एजुकेटर से लाइव पढ़ सकते हैं. पिछली बार 333 सेलेक्शंस हुए अनअकैडमी से, आप भी इनमें से हो सकते हैं अगले साल. और इसके अलावा अभी जैसे मेंस
एनरिचमेंट प्रोग्राम भी है जिसमें 16 सेक्शनल टेस्ट भी हैं, 4 फुल लेंथ टेस्ट भी हैं, तो इसका भी आप इस्तेमाल कर इसका भी आप हिस्सा बन सकते हैं। यूज़ द कोड SP Saurabh, SPSAURABH, इस कोड का इस्तेमाल करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार कमेंट सेक्शन में आप बताओ वॉइस क्लियर आ रही है सभी को। सो बिफोर आई स्टार्ट, ये मैंने चेंजेस कर दिए हैं जो लेटेस्ट पैटर्न है क्वेश्चन के अंदर। तो देखो इसमें फिर कितने स्टेटमेंट सही हैं इस पे बेसिस पे है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बेटलग्यूस, कल ही पढ़ाया था मैंने आपको। बेटलग्यूस इज अ कांस्टेंट स्टार मीनिंग इट्स ब्राइटनेस डू नॉट फ्लक्चुएट। बेटलग्यूस इज अ रेड सुपर जायंट स्टार, वन ऑफ द लार्जेस्ट विजिबल टू द नेकेड आइज। इट इज यूजुअली द 10th ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई एंड आफ्टर रिगल द 2nd ब्राइटेस्ट इन द कॉन्स्टिलेशन ऑफ ओरियन। कॉन्स्टिलेशन मतलब ग्रुप ऑफ स्टार। कमेंट सेक्शन में फटाफट आंसर करो, जल्दी से सभी लोग आंसर करो क्या आंसर होगा इसका। बेटलग्यूस के ऊपर है, जल्दी जल्दी आंसर करो, जल्दी से क्या टाइप कर दो आंसर फटाफट। और ये देखो ये इकोनॉमिक टाइम्स का है, ठीक है, इकोनॉमिक टाइम्स और हिंदू के अंदर भी ये टॉपिक आपका आया था। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आंसर इसका बी है। सो बेटलग्यूस क्या है, एक वेरिएबल स्टार है, ठीक है, इट्स अ वेरिएबल स्टार। ब्राइटेस्ट अमंग सच स्टार इज नोन फॉर इट्स पल्सेशन वाइल मोस्ट स्टार रिमेन स्टेबल, बेटलग्यूस ओकेशनली एक्सपीरियंस एक्सट्रीम ब्राइटनिंग। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या लिखा है, इट्स अ कॉन्स्टेंट स्टार, इट्स अ वेरिएबल स्टार। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, तो बाकी दोनों स्टेटमेंट सही। तो इसका आंसर ओनली टू होगा। देखो यहाँ पे मैंने ये सही कर दिया है, अब यहाँ पे आप कन्फ्यूज मत होना। आप लोग कई लोग मैसेज कर रहे थे, अगर इन तीन में से दो स्टेटमेंट्स अगर सही हैं, ठीक है, दो स्टेटमेंट सही हैं, तो आंसर क्या होगा कि दो स्टेटमेंट सही तो ओनली टू सही हैं। अगर मान लो एक स्टेटमेंट सही है तो आंसर क्या होगा, ओनली वन। अगर तीनों स्टेटमेंट सही है तो आंसर होगा तीनों, ऑल थ्री। अगर कोई भी स्टेटमेंट सही है तो नन। ये चेंज यूपीएससी ने इस बार किया है, ठीक है। तो आपको देखना कि इसमें देखो ये स्टेटमेंट गलत है, इट्स अ वेरिएबल स्टार, इट मीन्स ये चमकता है फिर चमकना कम होता है। जैसे ये फोटो आप देख लो तो ये बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाता है, कई बार बहुत हद से ज़्यादा ब्राइटनेस इसमें आ जाती है। तो यहाँ पे क्या, इट्स अ वेरिएबल स्टार। कल का सेशन देखना, इस पर डिटेल डिस्कशन भी हुआ है। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स आपके सही हैं, ठीक है, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट देखो, ये सागर समृद्धि के ऊपर है आपका, ये सेकंड स्टेटमेंट ओनली टू है। दिस विल एड डेली मंथली प्रोग्रेस विजुअलाइजेशन मॉनिटर ड्रेडजर परफॉर्मेंस एंड डाउन टाइम मॉनिटरिंग एंड कीप ट्रैक ऑफ लोकेशन डेटा। नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर्स हैज़ डेवलप्ड द मॉनिटरिंग सिस्टम टू इम्प्रूव द ड्राफ्ट एंड लोडिंग मॉनिटर सिस्टम। करंटली ओनली मुंबई पोर्ट हैज़ adopted Sagar Samriddhi, a new Mangalore port and Deen Dayal port are running the system on a trial basis. Correct, आपको बताना। तो ये भी अगर आप टॉपिक देखो तो PIB की न्यूज़ है, ठीक है, PIB की न्यूज़ है। तो National Technology Center for Ports, Waterway and Coast and Technology Arm Ministry of Ports, Shipping and Waterway, उन्होंने डेवलप किया है, has developed the monitoring system to improve the draft and loading monitor DLM system. अभी कोचीन है, मुंबई पोर्ट है, उन्होंने दे हैव एडॉप्टेड द सागर समृद्धि। तो देखो यहाँ पे क्या है, पहली चीज़ तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, NIC ने डेवलप किया है। तो NIC ने तो डेवलप नहीं किया, किसने डेवलप किया है, इन्होंने डेवलप किया है, ठीक है। और इसके माध्यम से जो है जो भी मतलब जैसे क्या चीज़ आ रही है, कितना सामान आपका लोड हो रहा है, कितना सामान पोर्ट में अभी है, इस टाइप का सारा सिस्टम देखना ना। तो जैसे मानो लोडिंग कैसे हो रही है, सब चीज़ों को मॉनिटर करना, ये सागर समृद्धि का कार्य है। फिर जो भी जैसे ड्रेजिंग एक्टिविटी भी होती है, जैसे पोर्ट है उसको क्लीन करना, जो पानी होता है पोर्ट में, जहाँ डॉकिंग होती है, जब शिप को पार्क किया जाता है आप मानो, तो उस पर सारा मॉनिटर करते रहना, लोकेशन डेटा और साथ में देखना कि कितनी लोडिंग हो रही है, सब चीज़ों पर नज़र रखना। तो ये सब आपका सागर समृद्धि के माध्यम से करना। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका सही निकला, दूसरा गलत है और तीसरा भी गलत है। आंसर क्या होगा, ओनली वन, मतलब सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही है। और ये नेक्स्ट वाला क्यों गलत है, क्योंकि कोचीन और मुंबई पोर्ट जो है उन्होंने सागर समृद्धि को अडॉप्ट किया। इसका PDF आपको सौरभ पांडे अकेडमी टेलीग्राम चैनल से मिलेगा, ठीक है। विथ रेफरेंस टू द प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दो, इकोनॉमी का बेसिक टॉपिक है, कई बार आता है, कमेंट सेक्शन में आप बताओ आंसर क्या है इसका। और बाद में अगर आप सेशन देखो तो फिर इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देना, और अभी लाइव देख रहे हो तो लाइव वाले में देना। और देखो प्रयास करो कि जो है लाइव देखने का सेशन कोशिश आप लोग करो, ठीक है, मेंस का क्वेश्चन भी मैं आपको दूंगा। एक दिन जो है आप लोग अगर आप दिन का एक एक्टिविटी को मार्क कर लो ना कि इस समय मुझे ये काम करना, तो बाकी एक्टिविटीज़ आप मार्क कर सकते हो, अपना मतलब प्लान कर सकते हो, ये आप जरूर से ध्यान रखें। इसका PDF मैंने जैसे बताया सौरभ पांडे अकेडमी टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन आर्मी हैड रिसेंटली सेड इट हैज सील्ड अ डील विथ बेंगलुरु बेस्ड कंपनी टू प्रोक्योर द इंडिजिनसली डेवलप्ड टैक्टिकल लैंड रेडियो। अब इस टैक्टिकल लैंड रेडियो पे क्वेश्चन है, ठीक है, ये अगर आप देखोगे तो इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर आया है। तो इट इज़ ए स्टेट ऑफ आर्ट हाई बैंडविथ बैक हॉल वायरलेस रेडियो इक्विपमेंट फॉर प्रोविजनिंग ऑफ रिलायबल कम्युनिकेशन। इट इज़ फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट दैट आर्मी हैज़ फंड अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ इनोवेशन ऑफ डिफेंस एक्सीलेंस IDX। द सिस्टम इनकॉर्पोरेट इनहेंस सेफ्टी फीचर्स एंड कैन ऑपरेट कंटिन्यूसली फॉर अ मंथ ऑन अ सिंगल सेट बेसिस विदाउट एनी ब्रेकडाउन। तो ये इमेज अगर आप देख रहे हो ना, तो यही इमेज है टैक्टिकल लैंड रेडियो का। तो ये क्या है बेसिकली, एक अगर देखा जाए तो ये जो सिस्टम है, अगर इस सिस्टम की बात करें तो ये जो सिस्टम है सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट दैट आर्मी हैज़ फॉर्म्ड अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। तो यहाँ पे पहले लिखा बोल रहा है पहला कॉन्ट्रैक्ट, पहला नहीं है ये, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है कि हम अपने डिफेंस जो डिफेंस लेवल पे जो भी इम्प्रूवमेंट करना चाह रहे हैं, जैसे मान लो रेडियो कम्युनिकेशन है उसको इम्प्रूव हम करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमने इसको डेवलप किया। तो ये ऐसा बेंगलुरु बेस्ड कंपनी से हमने ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट हमने किए हैं वो सेकेंड ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है। फिर इसमें ये सिस्टम के अंदर इनकॉर्पोरेट करना इनहैंस सेफ्टी फीचर एंड कैन ऑपरेट कंटिन्यूसली फॉर 48 आवर्स। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि मंथ तक चलेगा। खुद आप सोचो, कोई मशीन बना दिया वो ऐसा ना जिंदगी भर चलेगा, ऐसा नहीं, 48 आवर्स तक रहेगा। तो ये भी गलत हो गया, बाकी सेकंड पहला स्टेटमेंट आपका सही है। तो आंसर इसका क्या होगा, ओनली वन, मतलब एक ही स्टेटमेंट इसमें सही है, बाकी दोनों स्टेटमेंट आपके गलत हैं, ठीक है, ध्यान में रखना है। अब मेंस का क्वेश्चन देख लो, आप लोग अपने आंसर सेंड करो सौरभ पांडे अनअकैडमी टेलीग्राम चैनल पे, ये उसका लिंक है, ठीक है, इसको कॉपी करके भी सर्च कर सकते हो। क्वेश्चन देखो, एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी विल हैव गवर्नेंस रिलेटेड चैलेंजेस, आपको डिस्कस करना है। प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग में शासन संबंधी चुनौतियां होंगी, चर्चा कीजिए, ठीक है। तो ये है, आज सेशन हमारा इस फॉर्मेट में हुआ है, मतलब डेली बेसिस में जैसा होता है वैसे ही होगा, आज कुछ रीजंस की वजह से इस फॉर्मेट में हो रहा है, बट ठीक है, कंटेंट डिलीवर करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके लिए सेशन जरूर से हेल्पफुल रहा होगा। सेशन को जरूर से लाइक करें, शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, कल 9 बजे मिलते हैं, और इसका PDF आपको सौरभ पांडे अनअकैडमी टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। अनअकैडमी से जुड़ने के लिए यू कैन यूज़ द कोड SPLIVE या फिर SPSAURABH। तो ग्रेट ऑफर्स चल रहे हैं, ऑफर्स मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया है, तो उसका जरूर से करें। 24-25 की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अल्टीमेट ऑफर्स हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करें और जरूर से जुड़ें। थैंक यू।